भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? आवाज इटली तक पहुंचनी चाहिए। ये राम और रोम की लड़ाई है मित्रों, क्या भगवान राम का जन्म हुआ था? माता सीता का जन्म हुआ था? माता सीता और प्रभु राम के शादी हुई थी? माता सीता का अपहरण हुआ था? राम उठा के ले गया था, लंका ले गया था, उसको ले जाने के लिए प्रभु राम गए थे, जाने के लिए पुल बनाया था? आपको मालूम है, उनको मालूम नहीं है। सोचिए, जब भगवान राम ये सेतु बना रहे होंगे तब रावण के मन में क्या विचार आया होगा? आखिरकार रावण भी तो सरकार चलाता था, उसकी भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट होगा, उसका भी कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होगा। वो पुलिस डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रावण को जानकारी देता होगा, भाई राम ने पत्थर इकट्ठे किए हैं, नर और नील जैसे बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं साहब, ये वानर सेना आ गई है, सब ट्राइबल के लोग आ गए और अब ब्रिज बनना शुरू। समाचार तो मिलते होंगे। तब रावण क्या सोचता होगा? रावण यही सोचता होगा, दिन रात यही सोचता होगा, ये पुल ना बने तो अच्छा, फिर भी पुल बना होगा तो सोचता होगा टूट जाए तो अच्छा, फिर भी बना होगा तो सोचता होगा जब राम उस पर जाते हो तब टूट जाए तो अच्छा। रावण की जो अच्छा अधूरी रह गई वो पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है। रावण की जो इच्छा अधूरी रही उसको पूरा करने का काम दिल्ली कर रही है मित्रों। और मित्रों मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने जो एफिडेविट की है ना, मैं रामायण का जितना मेरा अभ्यास है, मैं रामायण के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना, एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट मेरे हिसाब से वो है जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए और रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को कैद कर लिया। और जब हनुमान जी को कैद कर लिया तो रावण ने सूचना दी और उसकी पूंछ को आग लगाई। रावण ने हनुमान की पूंछ को आग लगा करके जो गलती की थी वैसी गलतियां फिर करके की है साहब। वैसी ही गलतियां फिर करके की है मित्रों। और ये निर्लज लोग देखिए मित्रों, ये निर्लज लोग कह रहे हैं कि ये राम सेतु 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 समुद्र प्रोजेक्ट तो अटल जी की सरकार ने क्लियर किया था। मुझे बताइए कभी हमने ये कहा है कि विकास के लिए सेतु नहीं बनना चाहिए? सर ने कभी कहा है भाई? मैं तो आज भी कहता हूं बनना चाहिए। और मैं भारत सरकार को कहता हूं अगर आपको समझ नहीं है तो गुजरात को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। ये भगवान राम का सेतु तोड़े बिना दूसरे चार सेतु बन सकते हैं मित्रों। सेतु बनाने का कोई विरोध नहीं करता है। और मित्रों जब अटल जी की सरकार थी पांच अलग अलग अल्टरनेट के मॉडल रेडी है, पांच अलग अलग मॉडल, और उसमें ये प्रभु राम के द्वारा बनाया हुआ सेतु तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद भी बन सकते हैं। हम विकास के पक्ष का लोग हैं, हम डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, हम भी चाहते हैं बढ़े, लेकिन तोड़ना जरूरी है क्या? लेकिन ये तोड़ इसलिए रहे मित्रों, उनको तो इस देश के आस्थाओं पर चोट पहुंचाने में मजा आता है। इस देश के राम के नाम को मिटाना ये उनका मकसद है, और तब जाकर के ऐसी चीजें करते हैं मित्रों। और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, एक ही सरकार में दो पार्टनर, एक एक तीन पार्टनर। मैं तीनों का नमूना बताना चाहता हूं, गांधी जी वाले तीन पार्टनर की बात नहीं है। देखिए दिल्ली की कांग्रेस की सरकार एफिडेविट करती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, उनके समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का नाम है सीताराम येचुरी। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी कहती है भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, और करुणा जी कहता है वो शराबी था। अरे जन्म नहीं हुआ तो शराबी कैसे?
एडवोकेट रहो, इनके कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। ऐसे ही लोग मित्रों कोई जिम्मेवारी नहीं, मित्रों कोई दायित्व नहीं, जो मर्जी पड़े देश को खींचते चले जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, आप 60 साल तक सत्ता पर महात्मा गांधी का नाम लेकर के पहुंचे हैं, जब भी आपको मौका मिला आपने गांधी का उपयोग किया है। अगर आप मानते हैं कि गांधी का जन्म हुआ था, मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं गांधी हुए थे तो आपको ये याद है कि गांधी आजादी के आंदोलन के समय भी हर दिन रघुपति राघव राजा राम भजन करते थे? क्या कांग्रेस वालों में हिम्मत है जो कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि भगवान राम पैदा नहीं हुए थे, महात्मा गांधी की समाधि पर प्रभु राम का नाम लिखा हुआ है, क्या कांग्रेस में दम है जाकर के मिटा सके? और तब जाकर के मित्रों एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है इस देश की भलाई के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के संस्कार सरिता के लिए। आओ हम मिलजुल के काम करें मित्रों, आइए हम प्रगति की ओर चलें, विकास के नए आयामों को सर करें मित्रों, गरीबों की भलाई के लिए सोचें। और मित्रों हिंदुस्तान का गांव अगर समृद्ध नहीं होगा, ये देश समृद्ध नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं मित्रों, जब तक गांव समृद्ध नहीं होता है शहर में रुपया नहीं आ सकता। और मेरी कोशिश है मित्र, आज दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिंदुस्तान को बाजार मान लिया है। 100 करोड़ का देश एक बहुत बड़ा बाजार है, सारी दुनिया अपना मैन्युफैक्चर करेगी और हिंदुस्तान के अंदर छोड़ते चले जाएंगे और भारत का आदमी उसको खरीदता चला जाएगा। मित्रों मैंने सारी दुनिया के सामने एक बीड़ा उठाया है, जो लोग हिंदुस्तान को बाजार मानते हैं मैं गुजरात के गांव को बाजार नहीं बनने दूंगा, और मैं गुजरात के गांव को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना चाहता हूं। ये मेरी ज्योतिग्राम योजना उत्पादन के केंद्र खड़े करने वाली है। और मित्रों मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब मेरे गुजरात के गांव से पैदा हुई चीजें दुनिया खरीदार बन जाए। मित्रों मेरा गांव खरीदार नहीं बनेगा, ये सपने लेकर के चल रहा हूं। मित्रों मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपने जो प्रेम दिया बहुत बहुत आभारी। अब जब इतनी बात कर रही है, इतनी ताकत से मेरे साथ बोलिए और आवाज इतनी तक पहुंचनी चाहिए, जय श्री राम। तो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत दिखाओ साहब, जय।